Press the bell icon from your YouTube app and never miss any update from MJ Infotainment. कैसे भुला दूं उन रास्तों को जिन पे मैंने अपना बचपन बिता दिया। आज भी जब उन रास्तों से मिलता हूँ लगता है फिर से मैं स्कूल चल दिया। स्कूल हमारी जिंदगी का एक सबसे खूबसूरत दौर होता है जहाँ हम अपनी जिंदगी में सबसे ज़्यादा सीखते हैं और जहाँ हम अपनी ज़िंदगी के सबसे खूबसूरत पलों को जीते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उन इंडियन शोज के बारे में जहाँ हमें स्कूल की बेहद ही खूबसूरत लाइफ को दिखाया गया। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं शो हिप हिप हुर्रे की। ये शो GTV पर 1998 में प्रसारित हुआ था जो कि उस समय का एक सबसे पॉपुलर शो रहा था जहाँ स्कूल लाइफ को बेहद ही इंटरेस्टिंग तरीके से प्रेजेंट किया गया था। जहाँ आज की जनरेशन की लाइफ प्रॉब्लम्स उनके अपने पेरेंट्स और टीचर के साथ रिलेशनशिप को दिखाया गया था। इस शो में हमें टेलीविजन के कई पॉपुलर फेसेस देखने को मिले थे। तो दोस्तों आप आते हैं एक अन्य शो द बर्टी प्रोजेक्ट पर। ये शो 2012 में यूथ चैनल वी में प्रसारित हुआ था जिसकी कहानी द रॉयल एकेडमी नाम के स्कूल के इर्द गिर्द घूमती थी। जिस स्कूल की इमेज पूरी तरह से डूबने को थी तभी उसी स्कूल के पुराने शरारती स्टूडेंट अनिरुद्ध जेटली एज ए स्टूडेंट फैकल्टी वहां आते हैं और इस स्कूल के सबसे ज़्यादा 8 मिसचीवियस स्टूडेंट के साथ मिलकर द बड़ी प्रोजेक्ट बनाते हैं जहां वो स्कूल का खोया हुआ प्राइड वापस लाने की ठान लेते हैं। इसके अलावा एक अन्य शो था वॉरियर्स हाई जो कि MTV चैनल पर 2015 में प्रसारित हुआ था जिसने स्कूल लाइफ का काफ़ी ज़्यादा मॉडर्नाइज वर्जन हमें दिखाया। वॉरियर्स हाई नाम का एक बोर्डिंग स्कूल दिखाया गया था जहाँ पर पढ़ने वाले कुछ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स की इंटरेस्टिंग सी लाइफ को दिखाया गया था। तो दोस्तों अब आते हैं एक बेहद ही लोकप्रिय शो रिमिक्स के तरफ जो कि 2004 में स्टार वन में ऑन एयर हुआ था जो समय का सबसे पॉपुलर शो रहा था यूथ ऑडियंस के बीच। जहाँ मौरी हाई नाम के स्कूल को दिखाया गया था जहाँ बेसिकली अमीर और फेमस घरों के बच्चे एडमिशन लिया करते थे। उनके अलावा स्कॉलरशिप के थ्रू आए हुए पुअर फैमिलीज के बच्चे भी एडमिशन लिया करते थे। जहाँ इस शो में इन दोनों फैमिलीज के बच्चों के बीच के टशन को दिखाया गया था जहाँ इनकी दोस्ती और दुश्मनी को बेहद ही खूबसूरती से दिखाया गया था। इस शो में हमें टेलीविजन के कई पॉपुलर चेहरे देखने को मिले थे जिनमें से कुछ नाम हैं सौरभ राजेंद्र, श्वेता गुलाटी, करण वाही, प्रिया बल। दोस्तों फाइनली आते हैं सोनी टीवी के एक लोकप्रिय धारावाहिक ये उन दिनों की बात है की तरफ जो कि 2017 में प्रसारित हुआ था जहाँ बेसिकली हमें 90s की स्कूल लाइफ को दो यंगस्टर्स समीर और नैना की स्कूल लव स्टोरी के थ्रू दिखाया गया था। इनकी लव स्टोरी के अलावा दोस्ती यारी और स्टूडेंट टीचर के खूबसूरत रिलेशनशिप को भी दिखाया गया था और इस सीरियल में कुछ सीन्स इतने ज़्यादा रिलेटेबल हुआ करते थे जिन्हें देखकर हमारे अपने स्कूल की यादें ताज़ा हो जाती थी। इसके अलावा सोनी के अन्य शो एक दूजे के वास्ते सीजन 2 में भी हमें आर्मी स्कूल लाइफ देखने को मिली थी। वहाँ पनपने वाले दो यंगस्टर श्रवण और सुमन के बीच की लव स्टोरी भी दिखाई गई थी। तो दोस्तों ये थे कुछ मेमोरेबल शोज जिन्होंने हमें स्कूल लाइफ की बेहद खूबसूरत जर्नी को दिखाया। तो दोस्तों इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं कि आपको इनमें से कौन सा शो सबसे ज़्यादा याद आता है। इसी के साथ हम अपना ये वीडियो समाप्त करते हैं, मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक करना ना भूलें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।